नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के बारे में। हाँ दोस्तों, टाटा ग्रुप के बारे में बात करेंगे जो कि अमेजन और रिलायंस को टक्कर देने के लिए 20 बिग बास्केट में 20% हिस्सेदारी खरीदने का प्लान चल रहा है और दोनों के बीच बातचीत अभी जारी है। फाइनल डिसीजन कुछ समय में ही आ जाएगा, लेकिन इंटरनल बातचीत अभी चल रहा है। तो आपको बता दें कि फ्यूचर ग्रुप में रिलायंस ने ख़रीदा हुआ है स्टेक, अमेजन ने भी फ्यूचर ग्रुप में कुछ स्टेक ख़रीदा हुआ है, जैसे कि फ्यूचर कूपन वगैरह वगैरह। उसी प्रकार ऑनलाइन डिमांड हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसे देखते हुए इंडिया के बड़े बड़े राजघराने भी ऑनलाइन सेक्टर में कूद रहे हैं। उसे देखते हुए अब बारी है टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप बिग बास्केट में 20% स्टेक खरीदारी करने का प्रयास कर रहा है और हो सकता है आने वाले कुछ दिन में यह डील पूरा भी हो जाए। अगर हम पिछले कुछ दिन की बात करें या पिछले कुछ समय की बात करें, तो हमारे यहाँ ऑनलाइन का ट्रेंड, ऑनलाइन का चलन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है। इसका एक कारण तो कोरोना भी हो सकता है, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का समय चल रहा है, लोग बाहर जाने से कतरा रहे हैं। ऐसे में लोग अभी स्मार्टफोन का सहारा ले रहे हैं और स्मार्टफोन के सहारे ही आप सिर्फ एक क्लिक से अपने ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए टाटा ग्रुप ने भी ऑनलाइन में उन्होंने कदम रखा है। और टाटा ग्रुप के बारे में एक चीज़ और मैं ये बताना चाहूँगा कि टाटा ग्रुप एक सुपर ऐप पे भी काम कर रहा है, जिसके थ्रू वो उसके सुपर ऐप में हर चीज़ हमको मिलेगा, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे कार हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे ग्रोसरी हो, चाहे किराना हो, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो चाहे वो आपको सिर्फ एक सुपर ऐप के थ्रू ही मिलेगा। उसी को देखते हुए टाटा ग्रुप ने बिग बास्केट में भी 20% स्टेक खरीदने का बातचीत जारी है। बिग बास्केट ऑनलाइन ग्रॉसरी की सबसे बड़ी कंपनी है। ऐसी आप रिलायंस में देख ली, रिलायंस भी बहुत ही अग्रेसिव तरीके से कुछ कुछ कंपनियों को परचेस कर रहा है। उन्होंने भी जियो मार्ट लॉन्च कर दिया है। जियो मार्ट का भी रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप उसी सेक्टर की अदर कंपनी देखेंगे, जैसे कि फ्लिपकार्ट का तो क्या कहने, वो तो अभी पूरा जम चुका है। उसके बाद आते हैं अमेजन तो आप जानते ही हैं, वो अमेरिका की कंपनी है, यहाँ भी वो ज़बरदस्त तरीके से अपना बिजनेस कर रही है। हर तरफ ऑनलाइन का सीजन चल रहा है, हर तरफ ऑनलाइन का डिमांड चल रहा है। देखते देखते छोटे छोटे प्लेयर हों चाहे बड़े बड़े प्लेयर हो, हर कोई ऑनलाइन सेक्टर में एंट्री कर रहा है। इसी को देखते हुए भी टाटा ग्रुप ने ऑनलाइन सेक्टर में कुछ परचेसिंग किया है, मतलब कुछ कंपनी खरीदने का प्रयास किया है। हो सकता है आने वाले समय में वो और छोटी छोटी कंपनी पर अपना रिटेल इन्वेस्टमेंट और करे, और हो सकता है और भी जैसे रिलायंस भी हो, अमेजन भी हो, ये भी छोटे छोटे कंपनी को और ज़्यादा परचेस करें, अपना कैपेसिटी बढ़ाने का कोशिश करो। एक चीज़ तो तय है कि आने वाले समय में कस्टमर का ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर बढ़ते हैं प्राइसिंग वार उतनी ज़्यादा होता है। कुल मिला के आपका, हमारा, मतलब हम सभी का, मतलब कस्टमर का फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, टाटा ग्रुप का ऑनलाइन सेक्टर में आना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है रिलायंस और अमेजन के लिए, क्योंकि टाटा ग्रुप भी बड़ी ग्रुप है। उनको भी अब कॉम्पिटिशन देने के लिए नया प्लेयर मिल चुका है, जो है टाटा। तो आने वाले समय में देखना और दिलचस्प होगा कि कौन किसको कितना टक्कर दे सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट्स करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।